हम लोग आ गए फिलहाल गुरुद्वारा पत्थर साहिब। तो भाई मुझे चेक करना है, ये बोलते हैं कि यहाँ पे गाड़ी खुद ब खुद चलती है और ये मैग्नेटिक हिल, ये छोटे छोटे सैंडविच करवाए हैं चीज वाले, वो भी एक टैक्सी वाले भाई का बहुत बहुत थैंक यू जिसने बताया कि अपना टायर बैठ गया हुआ। पहुंचते ही यहाँ का वेदर थोड़ा सा कोच सा हो गया, बारिश आनी शुरू हो गई। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल। और ये आप देख लो गाड़ी को स्टार्ट कर दे, शीशा वीशा साफ कर रहे हैं और सुबह के बज रहे 5:30, हम निकल लेंगे यहाँ से श्रीनगर के लिए। और 5:30 बजे का वेदर देख लो कितना माइल्ड बना हुआ आज। तो भाई यहाँ से करते हैं अपने घर की जर्नी शुरू। तो भाई अभी हम लद्दाख से लेह लद्दाख से हम निकल रहे हैं और ज़्यादा लंबा अपना ट्रिप नहीं था एक्चुअली, घर से कुछ काम पड़ गया तो हमें इमिडिएटली घर जाना पड़ रहा है। तो फिर से कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम आएंगे यहाँ पे, काफ़ी अच्छी जगह और पीसफुल जगह। तो गाइस ये सारा साइड में आप देख सकते हो, ये सारा ही आर्मी एरिया और ये यहाँ पे सारा वॉर मेमोरियल इन्होंने बनाया हुआ है, जहाँ पे मतलब हमारे जो शहीद हुए हैं लोग अपने आर्मी के, ये G20 का भी इन्होंने लगाया काफ़ी। वो सामने पहाड़ देखो कितने ज़्यादा मैसिव है भाई। बाकी बातों की बातें, रास्ते बहुत ज़्यादा अच्छे हैं यार, यहाँ के बहुत अच्छे रास्ते हैं। और अभी आपको रास्ते में हम मैग्नेटिक हिल भी दिखाएंगे और एक काफ़ी फेमस गुरुद्वारा यहाँ का पत्थर साहिब गुरुद्वारा, वो भी दिखाएंगे आपको। ये देखो यहाँ पे कितने ज़्यादा आर्मी के ट्रक्स खड़े हैं, मतलब कि मेरे हिसाब से कम भी अपना कोई 100-150 ट्रक होगा आर्मी का, ट्रक और बसेस। और भाई यहाँ से अपना शुरू होता है NH1 जो जाता है सीधा श्रीनगर की ओर, और रास्ते में ज़ोजिला पास भी आएगा, फिर से वहाँ पर रुकेंगे, मतलब देखेंगे क्या, अगर तो रात पड़ जाएगी फिर तो नहीं रुकेंगे। काफी थ्रिलिंग रोड है वो भी। भाई ये देख लो पहाड़ों में कैसे सीधे सीधे हाईवे हैं, खाली सड़कें हैं बिल्कुल ही, और सुबह के 6:15 हो रहे हैं। बजे इतनी तेज धूप निकली हुई थी ना आज, आज मेरा उठने का बिल्कुल भी मन नहीं था, बट बहुत बढ़िया लगा आके यहाँ पे। और अभी हम लोग निकल गए श्रीनगर के लिए, आज का स्टे शायद श्रीनगर करेंगे या आज का स्टे जम्मू में करेंगे हम लोग, तो देखते हैं कि कैसे बनता है, क्योंकि श्रीनगर में मुझे एक दो काम भी हैं और अगर तो वो काम हो गए आज ही हो गए, तो अगर नहीं हुए लेट हो गए तो श्रीनगर से भी कल सुबह 5 बजे निकलेंगे। तो भाई हम लोग आ गए फिलहाल गुरुद्वारा पत्थर साहिब जो कि हमारे रास्ते में था। हम लोगों ने उस टाइम सोचा था कि रात हो गई थी ना जब हम आए थे,
और हमने सोचा कि सुबह आएंगे यहाँ पे, तो अंदर जा रहे हैं, देखते हैं मत्था टेक के और फिर बात करते हैं आपसे। गाइस पत्थर साहिब हम हो आए और काफ़ी पीसफुल जगह थी और अभी हम आ चुके हैं मैग्नेटिक हिल जो कि आती है रास्ते में ही अपने। ये पूरा ट्रैक बना है मैग्नेटिक हिल का और वो सामने मैग्नेटिक हिल आ चुकी है और ये आगे आप व्यू देख सकते हो कितना ही तगड़ा व्यू है। यहाँ पे ट्रैक बना हुआ सारा चलने के लिए, ये देख सकते हो मैग्नेटिक हिल एल्टीट्यूड 11,123 फीट। तो भाई मुझे चेक करना है कि ये बोलते हैं कि यहाँ पे गाड़ी खुद पर खुद चलती है और ये मैग्नेटिक हिल और ये वहाँ पे छोटे छोटे स्कूटर्स लगे हैं, ये राइड देते हैं ऊपर जाने के लिए, पूरा ट्रैक घुमाते हैं। अभी तो सुबह का टाइम हो रहा ना तो अभी चल नहीं रहा यहाँ पे कुछ, बट यार क्या बढ़िया लग रहा है यार, एक ही गाड़ी है अपनी बस रोड के ऊपर। तो गाइस हम निम्मू विलेज पहुंच चुके हैं, ये 10,000 कुछ की फीट पर है हाइट पे आता विलेज, और काफ़ी सुंदर और पीसफुल एरिया, मतलब कि कोई भी बाहर आदमी चलता नहीं दिख रहा, बस एक कुत्ता जा रहा है वहाँ से। काफ़ी अच्छी जगह, भाई ये छोटे से गांव है, विलेज है और विलेज जैसे लगते नहीं है कुछ भी, मतलब देखो कैसे छोटे छोटे कैफेज वगैरह बने हुए हैं यहाँ पे और कितना सुंदर है, ऐसे लगता है कि हम फॉरेन में आ गए, इंडिया तो लग ही नहीं रहा ये, बट है ये इंडिया। और आर्मी के बेस कैंप तो भाई कोने कोने में है पूरे यहाँ पे, आर्मी फ्रेंडली है पूरी फ्रेंडली भाई, बहुत अच्छा है सभी आर्मी वाले। तो भाई यहाँ से है अपना लगभग 381 किलोमीटर और 9 घंटे 11 मिनट बता रहा, मतलब लगा लो आप कि 11 घंटे तो हमें लग ही जाएंगे, रुकेंगे भी कहीं पे ब्रेक लेने के लिए। और ये अभी भी अपना NH1 चल रहा है, और यहाँ से जो जिला अपने को 269 किलोमीटर पड़ जाएगा, 269। गाइस ये देख लो बिल्कुल सीधी सीधी रोड चल रही है, वो सामने पहाड़ है और वेदर थोड़ा सा गर्म हो चुका है क्योंकि गर्म इलाके में धीरे धीरे पहुंच रहे हैं हम। भाई ये सस्पोल विलेज है कि यहाँ पे यार, और ये देख लो कितना सुंदर है, ये हम लोग चाय वाय पीने के लिए रुके थे और मज़ा आ रहा है। तो गाइस ये देख लो साथ में अपने इंडस रिवर बह रही है और कितनी सुंदर नदी है ये, और काफ़ी तेज़ बहाव है इसका कि मतलब इतना मज़ा मुझे, मतलब वैसे मज़ा आया मुझे लद्दाख में, बट मुझे इसके रास्ते ज़्यादा सुंदर लगे यार, एक गाड़ी भी नहीं चल रही आगे, और ना आगे गाड़ी ना पीछे गाड़ी, बस अपनी गाड़ी चले जा रही है, ये देख ही सकते हो। और ये इतना साफ रोड है, एक भी खड्डा नहीं आ रहा बीच में, ये बहुत अच्छी बात है। तो
गाइस यहाँ से कोई कारगिल अपने को पड़ जाएगा 160 किलोमीटर और उसके आगे दरहा से जो वो 181 किलोमीटर पड़ जाएगा। और अभी हम एक खाली सड़क पर ही चल रहे हैं और कोई गाड़ी नहीं चल रही है बिल्कुल भी, ना कोई ट्रक चल रहा है, सिर्फ अपनी गाड़ी चल रही है। और पिछले आधे घंटे से कोई एक गाड़ी भी नहीं दिखी हमें। तो गाइस ये देख लो कैसे सुंदर पहाड़ है और पहाड़ों के बीच में अपनी गाड़ी चल रही है। एक साइड पे रिवर है, हाँ एक साइड पे रिवर है, ब्लाइंड कट्स भी है और आप कह सकते हो हम मैं इन मिडल ऑफ नोवेयर, जहाँ पे जिस जगह कोई नाम नहीं है भाई, कोई नाम नहीं है, बस साइड में पहाड़ा और बीच में नदी बह रही है और साइड में गाड़ी चल रही है हमारी। तो भाई फिलहाल हम लोग 14,000 फुट की हाइट पे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हवा काफी चिल्ड है यार, तो ये सामने का व्यू देख लो आप लोग। और अपने आगे पीछे गाड़ी एक भी नहीं है, ये कौन सी जगह है? ये भाई आया है आई लव नमीकाला। भाई देख लो यहाँ पर भी लोगों ने इस बोर्ड को नहीं छोड़ा, नहीं तो छोड़ दो भाई, आंटी सेल्फी स्टिक ले घूम रही है। तो गाइज ये देख लो ये है कारगिल सारा, ये ऊपर पहाड़ी से हम नीचे आ रहे हैं तो आपको दिखा रहे हैं कारगिल का सारा ही प्लेन इलाका है, ये बहुत ही सुंदर है ये सारा शहर। और अभी हम श्रीनगर से हैं कोई 200 किलोमीटर की दूरी पे हैं, कोई 4-5 घंटे लग जाएंगे ये 200 किलोमीटर कवर अप करने में। सिटी के अंदर ही जा रहे हैं, आज हमने बाईपास नहीं लिया, मैंने कहा सिटी देखते जाना है कारगिल। ये है कारगिल सिटी, मैंने सोचा था कारगिल कोई ऐसे छोटा सा गांव होगा जहाँ पे गोलियां चलती होंगी, बट यहाँ तो सारा पर्सपेक्टिव ही चेंज हो गया। बहुत बढ़िया शहर है भाई, दिल खोल कर आओ भाई, यहाँ पे बड़ी ही ज्यादा सेफ्टी है यहाँ पे पूरे एरिया में। तो भाई ये छोटे छोटे सैंडविच करवाए हैं चीज़ वाले, और ये साथ में पेप्सी, और ये भाई आराम कर रहे हैं। आज तो थक गया भाई, थक गया, सही बनाया इसको से। तो भाई ये आप सामने ग्लेशियर वाले पहाड़ देख रहे हो, ये सुजीला पास के पहाड़ है। और अभी हम कोई अप्रोक्सीमेटली पहुंचने वाले दरास, और वहां से थोड़ी देर में हम पहुंचेंगे सुजीला पास। तो गाइस आप आगे का व्यू देख सकते हो, क्या व्यू है भाई, सीधी रोड है, सीधी रोड मतलब कि मजा बहुत आ रहा है। और इतना ज्यादा पीसफुल इलाका, इतना ज्यादा पीसफुल इलाका, हाँ भाई सामने से जिला पास के पहाड़ भी हैं। तो भाई फाइनली जो जिला पास में एंटर हो चुके हैं जहाँ से इसकी स्टार्टिंग होती है, और बस कुछ ही देर में हम जो जिला टॉप पे पहुँच जाएंगे और फिर उसके बाद आएगा सोनमर्ग। फिर वहाँ पे देखते हैं अभी कहाँ पे रुकना है, स्टॉप कहाँ पे लेना है। देख लो भाई सिटी कैसे मारते हैं बंदे यहाँ पे, यहाँ पे ना एक्टिविटीज होती है, हाँ जैसे ये स्कूल एक्टिविटी।
ये देख लो काफी डेडली रास्ते पर हम आ चुके हैं, ये जा रहा सीधा सोनमर्ग की ओर और भाई अपने साथ एक बड़ी ही तगड़ी ट्रेजेडी होगी रास्ते में, वो भी एक टैक्सी वाले भाई का बहुत बहुत थैंक यू जिसने बताया कि अपना टायर बैठ गया हुआ, और लकीली हमारे पास हवा भरने वाला पंप था तो बच गए। क्यों भाई कैसा लगा? अपने पास पंचर किट भी है, ये थोड़ा खतरनाक था। वो नीचे सोन मर गया, सुबह की 5:30 बजे से गाड़ी चला रहे हैं, हिम्मत दिया भाई क्यों। आ जाना था अभी गाड़ी के नीचे, फिर हमने डाल लेना गाड़ी के अंदर, फिर हमने गाड़ी के अंदर डाल लेना था और क्या। रात को ये बनना था। भाई ये सुजीला टनल प्रोजेक्ट चल रहा है, अगली बार जब भी आएंगे तो सुनने में आया सुजीला पास ऊपर नहीं होकर जाना पड़ेगा, ये बन रही है टनल, ये पुल देखो फ्लाईओवर जो बन रहा है, ये सारी टनल है भाई, बहुत बढ़िया भाई। ये देख लो क्या ट्रैफिक है, और ये J&K वालों को ट्रैफिक बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं करती। जो आर्मी वाले हैं ना वो अपना सही काम कर रहे हैं, बट जो पुलिस वाले हैं ना वो जान खुद ही लगाते हैं और बाद में उनके चालान काटते हैं। अभी ये बड़ा गंदा रोल देखा मैंने J&K स्टेट में, आर्मी वालों ने भी ट्रैफिक निकलवाई है सारी आगे। चलो जी चलो। हाँ जी थैंक यू। सर ये कितना लंबा जाम है आगे? वो लंबा सर, लंबा है वो नहीं सकते। भाई आज तो ट्रैफिक में बुरा फंस गए हैं। अपने आगे आर्मी की एक कॉन्वॉय चल रही है तो उसने किसी को नहीं आगे जाने दे रहा भाई, आगे ही डंडा दिखा रहा है टैक्सी वालों को भाई बंदे को। तो गाइस फाइनली पहुंच चुके हैं हम कहाँ पे, श्रीनगर पहुंच चुके हैं भाई। ये देख लो कैसा वेदर, यहाँ पे थोड़ा सा ना क्लाउडी बन गया, बारिश है क्या। हाँ ये तो है भाई, अब अपना अगला प्लान तो क्या होगा, हम सोच रहे कि डल लेक जाएंगे और थोड़ा सा वहाँ पे चिल करेंगे, अभी जाके शिकारे के अंदर बैठ के सैफ्रॉन टी वी। थक गए हैं भाई बहुत ज़्यादा, सुबह 5:30 बजे से हम ड्राइव पे निकले हुए और अब बैंड बज चुकी है भाई, और पहुँचते ही यहाँ का वेदर थोड़ा सा कोजी सा हो गया, बारिश आनी शुरू हो गई। तो हम लोग सबसे यार घर बैठ के क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे लेक में आ गए, डल लेक, ये लाइटिंग दिख रही है आप लोगों को, देखो लाइटनिंग हो रही है। ये हम डल लेक की बैक साइड पे आए हैं ठीक है, क्योंकि वहाँ पे इस टाइम पे क्राउड बहुत ज़्यादा सिटी के अंदर, वहाँ पे भी जाएंगे बट थोड़ी देर तक जाएंगे, थोड़ा सा टाइम हो जाए। तो भाई ऐसा है गाड़ी के अंदर गेड़ी मारने का ज़्यादा मज़ा आ रहा है, क्यों भाई? बहुत मज़ा आ रहा है भाई, क्योंकि इतनी ठंडी हवा चल रही है ना, मज़ा ही आ गया यार। तो गाइस होप सो कि आपको ये वाला व्लॉग अच्छा लगा हो, तो इस व्लॉग की करते हैं पर एंडिंग, क्या करोगे भाई कमेंट करके बताने कैसा लगा, और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और भाई और भाई बता दो आपको लद्दाख के रास्ते कैसे लगे, ठीक है ना? बहुत बढ़िया, और दोबारा जाएंगे लद्दाख शायद इसी साल बन जाए, और ज्यादा दिनों के लिए जाएंगे, ज्यादा दिन के लिए जाएंगे, अभी तो कुछ पता नहीं था लद्दाख का, बट काफी सुंदर है। सो इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे खत्म, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब के लिए गुड नाइट।